Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And this time again I have taken this topic, Educational Administration, its meaning, scope, types and guiding principles. Okay, so शैक्षिक प्रशासन का केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की क्या हायरार्की है हमारे यहाँ, इस पर मैं आपसे बात कर चुकी हूँ. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है और उनके नेचर स्कोप क्या है, ये बात हो गई है. पर कुछ हिस्सा रह गया था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वंस अगेन आई हैव कवर्ड द सेम टॉपिक, आई एम कवरिंग द सेम टॉपिक सो दैट होलिस्टिकली एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, उससे कुछ हिस्सा छूट ना जाए. तो चूंकि हम बात कर चुके हैं, फिर भी फिर से शुरू करते हैं कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने से पहले हमको एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि प्रशासन क्या है. तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेन पर्पज ऑफ अचीविंग द स्टिपुलेटेड गोल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि हम कहीं भी प्रशासन हो रहा हो, आप प्रशासक हो, आप प्रशासक की भूमिका में हो, तो आपका कार्य क्या है, करना क्या है, प्रशासन क्या है, कि उस संस्था ने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए हैं उसके लिए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वहां पे जितना भी मानव और आर्थिक संसाधन हमारे लिए उपलब्ध है उसको हमको सिस्टमेटिकली अरेंज करके, कोऑर्डिनेट करके उन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है. और यही सिद्धांत, यही फिनोमेना, यही फिलॉसफी जब हम एजुकेशन पे अप्लाई करते हैं तो वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है. व्हेन अप्लाई टू द एजुकेशनल सिस्टम द प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. जब हम शैक्षिक निकाय पर ये सिद्धांत लगा देते हैं तो वो शैक्षिक प्रशासन हो जाता है. तो शैक्षिक प्रशासन की दो डेफिनेशंस देख लीजिए, कई हैं बट देख लेते हैं कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इनेबल द राइट प्यूपल्स टू रिसीव द राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट टीचर्स एट अ कॉस्ट विद इन द मीन्स ऑफ द स्टेट अंडर कंडीशंस विच विल इनेबल द प्यूपल्स बेस्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम देयर ट्रेनिंग. ये बहुत फेमस डेफिनेशन ग्राहम बेलफोर की है कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, कि इस योग्य बना दे, ऐसा कुछ कर दे जिससे कि जो शिष्य है उसको सही शिक्षा मिल जाए, सही शिक्षक से मिले और उस कॉस्ट के अंदर मिले जो कि मतलब परमिसिबल है, एक्सेसिबल है, बहुत महंगा ना हो, और जो शिष्य बने वो हमको बेस्ट प्रॉफिट, उसको हम ट्रेनिंग दे पाए, वो अपनी ट्रेनिंग से बेस्ट उसका प्रॉफिट ले सके. तो ये तो मतलब राम राज्य हो जाएगा ना, सब कुछ बढ़िया है, शिष्य को सही शिक्षा, सही शिक्षक के द्वारा विद इन द कॉस्ट एंड वो उसका बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट भी गेन कर सके, तो इट इज ऑल गुड, है ना. फिर स्टीफन आई नेज़ेविक कहते हैं कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस कंसर्न विद क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, स्टिमुलेटिंग एंड यूनिफाइंग the energies within an educational institution towards realization of predetermined objectives. वो कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जो आपका आपका institution है उसने जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, एनर्जीज हैं, उनको जोड़िए, उनको स्टिमुलेट कीजिए, उनको मेंटेन कीजिए और उनका निर्माण कीजिए. तो मतलब सब कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेस्ट जो हमारे पास है उससे बेस्ट लेना है, यही है शैक्षिक प्रशासन. तो इसका नेचर क्या हुआ कि द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट रिफर टू एनी सिंगल प्रोसेस और एक्ट, कोई एक क्रिया नहीं चल रही है, इट इज लाइक अ ब्रॉड अम्ब्रेला. ये विशद टर्म है, बड़ा टर्म है और इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं, जैसे प्लानिंग, आपको योजना बनानी है, आपको संगठन बनाना है, आपको निर्देश देना है, आपको समन्वय स्थापित करना है, नियंत्रण करना है और लास्ट में जो परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है उसका इवेल्युएशन भी करना है, उसका मूल्यांकन भी करना है. इट इज प्राइमरीली अ सोशल एंटरप्राइज, जनरली मतलब मुख्य रूप से ये एक सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक एंटरप्राइज है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज पे हमको ज्यादा काम करना होता है, मटेरियल रिसोर्सेज को तो आपने जैसे कर दिया वैसे ही रहेंगे, अपना वो कोई इनपुट नहीं देंगे, है ना. फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस, ये विज्ञान से ज्यादा एक कला है, आर्टिस्टिकली आपको टच देना है, कहाँ कब कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप को आपको मोल्ड करना है. क्यों? क्योंकि कोई फॉर्मूला आपको लिख के नहीं दिया जा सकता कि ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन रहेंगे. और ये सिमिलर भी है और डिससिमिलर भी है एक सामान्य प्रशासन से, और ये एक जटिल प्रक्रिया है. तो ये तो इसकी प्रकृति हो गई. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम शिष्यों को, विद्यार्थियों को सही शिक्षा दे पाएं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बढ़िया यूटिलाइजेशन कर पाएं, और जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो हमारे, उनके अंदर एक प्रोफेशनल इथिक्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भावना जागृत रहे, ये इंश्योर करें हम. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सीख करें, सामुदायिक प्रतिभागिता हो हमारी संस्था में, जो काम हमने सोचा है करने के लिए उसे कर सकें और शिक्षा में गुणात्मक सुधार कर सकें, ये सब इसके उद्देश्य है, किसके? शैक्षिक प्रशासन के.
फिर इसका स्कोप देखिए, कोई भी शिक्षा से संबंधित पक्ष ऐसा नहीं है जो शैक्षिक प्रशासन से बच गया हो, छूट गया हो। सब कुछ प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। चाहे आप लेवल्स ऑफ एजुकेशन देख लीजिए, चाहे प्री प्राइमरी हो, आपका प्री स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, हायर हो या टर्शरी, या आप फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन जो भी प्रकार शिक्षा का हो, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको एडल्ट एजुकेशन भी कह सकते हैं या जिसको अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग के नाम से जानते हैं, सामान्य शिक्षा हो, आपकी व्यावसायिक शिक्षा हो, विशेष विशिष्ट शिक्षा हो, शिक्षक शिक्षा हो, इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो, टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन, एवरीथिंग हैज कम अंडर दी स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपके एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, यही जो अभी लिया गया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग, ये सब कुछ भी शैक्षिक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में ही आता है। फिर कोई भी लेवल ले लीजिए शिक्षा का, हायरार्की ले लीजिए, सेंटर से शुरू कीजिए। सेंट्रल लेवल पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने क्या क्या डायट बनाया है, क्या क्या बना रखा है, उसने एनसीईआरटी बना रखा है, न्यूपा बना रखा है, नियंत्रण करने के लिए ही तो, प्रशासन करने के लिए ही तो, कोऑर्डिनेट करने के लिए ही तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट यानी कि केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और आपके संस्थागत स्तर पर। और हम बींग अ फैकल्टी या बींग अ स्टूडेंट संस्थागत स्तर के शैक्षिक प्रशासन का ही हिस्सा होते हैं। तो संस्थागत लेवल पे क्या हो सकता है स्तर पे, सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूशन या स्कूल का पर्पस डिसाइड कीजिए, को करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज प्लान कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, अपने स्टाफ मेंबर्स को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, फिर आप अपने स्टाफ को मोटिवेट भी कीजिए, उनको डायरेक्ट कीजिए, सबके एफर्ट्स सीख कीजिए, आप स्टाफ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी करिए, है ना। फिर आप पीरियोडिकल रिव्यूज करते रहिए कि कहाँ आप सफल हुए, कहाँ आप असफल हुए, स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए आप प्रयास कररत रहे, डिसिप्लिन बना रहे, मटेरियल और फाइनेंस का मैनेजमेंट हो, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स अपडेट हो सकें, टीचर्स और अदर एम्प्लॉयज के वर्क का सुपरविजन हो, और वो टीचर्स जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप अच्छा फीडबैक दीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए रेमेडियल मेजर्स अपनाइए। ये जरूर होना चाहिए शैक्षिक प्रशासन संस्थागत लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। फिर टाइप्स इसके क्या हैं, तो टाइप्स इसके हो सकते हैं सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि केंद्रीयकृत या विकेंद्रीकृत। जो विकेंद्रीकृत होगा उसमें सत्ता मतलब पावर जो है, शक्ति जो है, वो कई लोगों के हाथ में होगी, हायरार्की होगी कि आज प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है तो डिपार्टमेंट एचओडी है, एचओडी है नहीं है तो जो सीनियर फैकल्टी है, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेंटर में, केंद्र में सत्ता है, शक्ति है और सब काम वहीं से होना है। तो वैसे भी अभी आउटडेटेड मोड है, अब डिसेंट्रलाइज्ड मोड ही चलता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। उसी तरह से एक्सटर्नल या इंटरनल, अगर बाहरी लोग ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं, बाहरी का मतलब कम्युनिटी लीडर्स ज्यादा हैं तो एक्सटर्नल, अगर आपके इंटरनल है तो इंटरनल मैटर। ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, यानी कि अगर ऑटोक्रेसी चल रही है, एक ही आदमी के कहने से सब हो रहा है तो ऑटोक्रेटिक, वैसे जनरली डेमोक्रेटिक फॉलो होता है आजकल। क्रिएटिव, हम चाहते हैं कि कुछ इनोवेटिव कर सकें, कुछ हम अपनी संस्था में नया करें, इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्रिएटिव। और लेसेस फेयर, जो हस्तक्षेप रहित प्रकार का प्रशासन है, जिसने आपको खुला छोड़ दिया है कि आप जाइए अपने हिसाब से कोर्स बनाइए, अपने हिसाब से पढ़ाइए, जब चाहिए एग्जाम लीजिए। वैसे ऐसा होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेसेस फेयर तभी संभव है, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है जब लोग सेल्फ डिसिप्लिन हों, जो कि हम नहीं होते। फिर इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो कि छह हैं मेन, स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी, ऑपरेशनल डेमोक्रेसी, इक्वलाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस, प्रूडेंस और एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ऐसे करके 6 पॉइंट्स हैं। तो डेमोक्रेसी, चाहे वो स्ट्रक्चरल रूप में हो चाहे ऑपरेशनल रूप में हो, डेमोक्रेसी हमारे समाज में है, इसलिए डेमोक्रेसी एजुकेशन में भी है। क्यों? क्योंकि डीवी साहब बहुत पहले कह गए कि स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, जो सोसाइटी में होगा वही स्कूल में होगा। तो हमको हर जगह एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल को डिमीन करना है, हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, हमको जस्टिस की बात करनी है, इक्वालिटी की बात करनी है, सारी बातें इसीलिए हो रही हैं कि डेमोक्रेसी एक नियम के रूप में, सिद्धांत के रूप में फॉलो होता है। जस्टिस कि हमको सबके लिए न्याय करना है, किसी के संग कुछ मिसबिहेव ना हो, किसी के संग अनजस्टिस, नॉन जस्टिस ना हो, अनजस्टिस ना हो, है ना, हम ज्यूडिशियस रहें तो ये बड़ी बात है, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ज्यूडिशियस होना चाहिए, है ना। फिर आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई भी लेवल का कर्मचारी है उसको जिस हिसाब से आप मतलब उसके वो दे रहे हैं ना, लाभ दे रहे हैं, वो सभी को मिलना चाहिए। इसको मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये आप जानते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है, समानता के अवसर मिले, किसी का आप एक्सप्लॉयटेशन ना करें। और प्रूडेंस यानी कि हमारे पास विजन होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें, प्रोएक्टिव रहें, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंट इकोनॉमी, मतलब हम ह्यूमन को एज अ रिसोर्स समझ के एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको उसका प्रतिफल मिलेगा, ये इसके पीछे का
फिलोसफी है, और एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, हमको बदलती हुई सिचुएशन के संग एडेप्टेशन भी आना चाहिए, हमको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और समय के संग स्टेबल भी रहना चाहिए। तो ये बहुत एक एक एक, एक आप कह सकते हैं डेलिकेट बैलेंस है कि कहाँ आप फ्लेक्सिबल होंगे, कहाँ स्टेबल होंगे और कैसे कैसे समय के साथ एडेप्टेबल होंगे। तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में काम आते हैं, उनके हिसाब से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। और इसके अलावा भी बहुत से हैं, आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो बहुत, जस्टिस का अलग से, फ्रीडम का अलग से, आपका एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ऐसे तीन बन सकते हैं, प्लस आपका इथिकल एंड लीगल कंप्लायंस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन है ना, ये सब बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये मोर और लेस यही है कि जो डेमोक्रेसी के नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक अब ये कंक्लूडिंग रिमार्क कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने अपने मिशन को पूरा कर सकें, लीडरशिप हो वहाँ पे, गाइडेंस हो, जो इंडिविजुअल्स हो उनको नॉलेज और स्किल मिले, और इसका एरिया तो वास्ट है ही, और हम इसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, रिकॉग्निशन, इंडिविजुअल वर्क और प्रोफेशनल ग्रोथ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, इससे हमारे रिसोर्सेज का इकोनॉमाइजेशन होगा और ह्यूमन रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकेगी। तो आई थिंक अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कंसेप्ट में कुछ भी बताने के लिए नहीं रह गया, उसको अलग से ले लिया, उसको मैनेजमेंट के साथ डिफरेंस करके ले लिया, उसका नेचर स्कोप अलग से ले लिया, फिर उसके गाइडिंग प्रिंसिपल भी ले लिए, टाइप भी ले लिया, और मैंने सेंट्रल लेवल पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक इट हैज बीन कंप्लीटेड इन ए होलिस्टिक मैनर। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।